यूजुअली इंसान जो होता है वो अपनों में रिश्तों में प्यार ढूंढता रहता है। यहाँ देखो ना कोई अपना ना कोई रिश्ता, सिर्फ प्यार। जमुना दास अनाथ आश्रम। हाँ मेरे कूल लाइक अ खाली स्विमिंग पूल। गोलमाल मूवी में रोहित सेठी की एक काफी बड़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। इस मूवी में हमें अभी तक 4 पार्ट देखने को मिल चुके हैं और खबर निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द इसका पार्ट 5 भी देखने को मिल सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान रोहित सेठी ने बताया इस मूवी की शूटिंग 2020 में स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन कोविड की वजह से इस मूवी की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था और अब सब कुछ ठीक हो गया है तो बहुत ही जल्द वो इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। रोहित सेठी ने बताया कि पहले इनकी सिंगम 3 मूवी आएगी, उसके बाद गोलमाल 5 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि अभी हमें गोलमाल 5 के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। गोलमाल 4 हमें 2017 में देखने को मिली थी, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था, जिसे लोगों का भरपूर प्यार मिला था। गोलमाल के हर पार्ट को लोगों ने भरपूर पसंद किया है, इसीलिए रोहित सेठी की मूवी के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ये मूवी लोगों को बहुत हंसाती है। मूवी में कलाकारों के अजीब कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आते हैं, इसीलिए अभी तक उनके 4 पार्ट बन चुके हैं जिन्हें लोगों से भरपूर प्यार मिला है और अब पार्ट 5 बनने जा रहा है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो हमें वही पिछली गोलमाल मूवी की कलाकार सभी देखने को मिलने वाले हैं। मूवी में अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू देखने को मिलेंगे और मूवी में हमें कई मेन कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जॉनी लीवर, मिथुन चक्रवर्ती और भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो लोगों को काफी ज्यादा हंसाएंगे। और अब देखना ये हो कि रोहित सेठी की मूवी की स्टोरी को किस मोड़ पर लेकर जाएंगे, मूवी की स्टोरी अब लोगों को कैसे हंसाती है। पर जो भी है, मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग और कॉमेडी से भरी होने वाली है। मूवी के पार्ट 5 के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और अभी तक मूवी के 5वें पार्ट की शूटिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है, इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि गोलमाल 5 हमें कब तक देखने को मिल सकती है और अभी तक मूवी की स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं हुई है। पहले मूवी के स्क्रिप्ट को रेडी किया जाएगा, जिसके बाद 2024 में मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर मूवी की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होती है तो मूवी हमें 2025 में देखने को मिलेगी। रोहित सेठी की गोलमाल मूवी काफी अच्छी मूवी होती है और अब देखना ये होगा कि गोलमाल 5 को भी इनकी पिछली वाली मूवी की तरह ही प्यार मिलता है या फिर नहीं। अगर मूवी के 5वें पार्ट की बात करें तो मूवी में हमें न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, रोहित सेठी की हर एक मूवी में कुछ न कुछ अलग होता ही है, तो इस मूवी में भी हमें कुछ अलग और हटकर देखने को मिलने वाला है जो कि मूवी को इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा बना देगा। तो दोस्तों, आप सब गोलमाल 5 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।